sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also, follow me on Instagram. My Instagram handle is @ratecookrecipes123. There I share the live updates of what I do and what I eat. Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm again at the Metropolitan Hotel and I'm here for the dinner buffet. I'll be dining at the Zing, which is the multi cuisine restaurant of this place. और सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ सूप. आज यहाँ पे दाल का शोरबा है. ये मैंने पहले भी ट्राई कर रखा है, मेरे को पिछली बार तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, मगर इस बार देखते हैं क्या पता पसंद आए. और सूप को मैं पेयर करूँगी सैलड के साथ. यहाँ पे बहुत सारे टाइप के सैलड हैं, तीन टाइप के हैं, और ब्रेड भी लेकर आई हूँ. ये तो वैसे मैदा वाली ब्रेड है, यहाँ पे आटा ब्रेड भी होती है. तो सबसे पहले सूप ट्राई करूँगी. अगर आपको सूप में बटर डालना पसंद है आप वो भी मंगवा सकते हो. नॉनवेज में यहाँ पे चिकन टॉम यम सूप था नॉनवेज में, तो वो मैं लाई नहीं ऑब्वियसली बिकॉज आई एम वेजिटेरियन. इसलिए दाल का शोरबा ट्राई करते हैं. इसके अंदर बहुत सारे कोरिएंडर लीव्स दिख रहे हैं मुझे. सूप इज़ रियली गुड. ये ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि दाल का पानी है, तो लगेगा ही बिकॉज इसका नाम ही दाल का शोरबा था. सो आई एम वेरी श्योर इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस और एकदम हेल्दी सूप है ये. काफ़ी अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है ना कि अरहर की दाल का पानी है और एकदम पतला सा नहीं है, थिक भी है थोड़ा. इन्होंने इसे थिक करने के लिए कॉर्न स्टार्च का यूज़ भी नहीं किया है, जस्ट दाल यूज़ कर रखी है, पता लग रहा है ट्राई करके ही. सो गाइस दिस इज़ अ नाइस सूप, लास्ट टाइम से अच्छा लग रहा है. नाउ आई वांट टू ट्राई द सैलड्स. और यहाँ पे आलू चाट सैलड. बेसिकली आलू को ना डीप फ्राई कर देते हैं, बॉयल्ड पोटैटो से बनता ही है, और फिर उसे स्पाइसेस में टॉस करते हैं. हियर इज़ द 3 बीन सैलड. इसके अंदर चिक पीज हैं, किडनी बीन्स हैं, और तीसरी बीन आई डोंट नो कौन सी है, मगर इसके अंदर कॉर्न ज़रूर दिख रहा है मुझे और बेल पेपर से थोड़े से. हेयर द वॉकटॉस मशरूम सैलेड. मेरे को लग रहा है ना ये सबसे अच्छा वाला होगा बिकॉज आई लव मशरूम, तो मुझे तो पसंद आना ही है. मशरूम को इन्होंने अनियन और बेल पेपर के साथ सॉटे कर रखा है, तो ये पहले मशरूम वाला ही ट्राई कर लेती हूँ. दिस थिंग इज़ क्वाइट गुड. मेरे को लगा था कि ये कहीं ना मीठा मीठा सा ना हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जस्ट ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट यूज़ किया है इन्होंने इसमें, और कोई भी सीजनिंग नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. ये बहुत बेसिक फ्लेवर्स हैं. मेरी मम्मी मेरे को बटर ऑफ़र कर रही है सूप में डालने के लिए, मगर मुझे नहीं पसंद है तो मैं रहने दूँगी, मगर आप बटर ऐड कर सकते हो अपने सूप में. आई वांट टू टेक अनदर बाइट ऑफ दिस मशरूम. आप चाहो ना इस मशरूम सैलेड के साथ भी ब्रेड को पेयर कर सकते हो, अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा. टू गुड. नाउ आई ट्राई द आलू चाट सैलेड. इसके अंदर ना बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी दिख रही है, तो उससे थोड़ा हटा के खाऊंगी बिकॉज मेरे को ना मिर्ची लग जाती है जल्दी से. इवन द आलू चाट सैलेड इज़ रियली गुड. बिल्कुल भी टांगी नहीं है, जबकि इसके अंदर इमली की चटनी भी डली हुई है. ये ना बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि फ्राइड पोटैटो जिसके ऊपर मसाला डाला था वो सौगी हो गए हैं. मुझे तो अच्छे लगते हैं सौगी फ्राइज, तो पसंद आ रहा है ये सैलेड. नाउ आई एम गोना ट्राई द बीन सैलेड. देख के तो ऐसा लग रहा है ये मैक्सिकन स्टाइल बनाया है इन्होंने, खाके भी देख लेते हैं कैसा लगेगा. बीन्स थोड़े फर्म हैं, अगर ज़्यादा पके होते तो अच्छे लगते हैं, मगर शायद मशी हो जाते हैं और सैलेड में फिर ख़राब हो जाते हैं जल्दी से, तो इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा. और ये मेक्सिकन स्टाइल में तो डेफिनेटली नहीं है, चाट जैसा लग रहा है बिल्कुल. इंडियन स्पाइसेस डले हुए इसमें, प्रॉपर चाट मसाला है, तो अच्छा लग रहा है. इस सब में से मेरा फेवरेट सैलेड तो ये मशरूम वाला था, और सेकंड नंबर पे थे ये पोटैटोस. इवन द सूप इज़ रियली गुड. नाउ आई विल फिनिश ऑल दिस एंड गेट समथिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल सेक्शन.
Now I'm going to try the food from the continental section. और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ पास्ता प्राइमवेरा. बेसिकली ये टमेटो चीज़ पास्ता होता है और बहुत ज़्यादा टैंगी नहीं होता. पसंद है मुझे. पेनी शेप के साथ बना रखा है इन्होंने. बहुत सारी पार्सली डाली है इसके ऊपर और ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स विच आर माई फेवरेट. इसको मैं पेयर करने वाली हूँ बटर टॉस्ट वेजिटेबल्स के साथ. इसके अंदर मशरूम्स है बहुत सारे और जुकीनी है. ग्रीन और येलो दोनों टाइप की जुकीनी थी इसमें. बेबी कॉर्न है बहुत सारे एंड चेरी टमाटो लुक्स रियली गुड. एकदम फ्रेश और राइप लग रहा है. यहाँ पे है थोड़ी सी हरी चटनी जिसको मैं अनियन रिंग के साथ लाई हूँ और इसके साथ मैं खाने वाली हूँ इसे. अमृतसरी पनीर है, ये स्टार्टर है. यूजुअली यहाँ पे पनीर टिक्का होता है मगर आज यहाँ पे ये अमृतसरी पनीर है. दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक पनीर पकौड़ा और हरी चटनी के साथ मैं इसे इंजॉय करूँगी. पनीर पकौड़ा बहुत यमी लग रहा है. वैसे इसका नाम तो नहीं है पनीर पकौड़ा मगर ये है वही. बस मसाले डाल रखे हैं बहुत सारे बैटर के अंदर और मेरे को लग रहा है ना थोड़ा कलर लगाया या तो इसके ऊपर या फिर हो सकता है देगी मिर्च यूज़ की हो उससे ऐसा कलर आया है. मगर जो भी है बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है. यूजुअली पनीर डिश ब्लैंड लगती है मगर ये बिल्कुल भी नहीं है. ये बैटर ना चिकपी फ्लावर से बनाया इन्होंने. अनदर बाइट. यूजुअली मुझे पनीर पसंद आता नहीं है मगर ये वाली डिश बहुत अच्छी है. अनदर बाइट. यम्मी. नाउ आई ट्राई द पास्ता. कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट पास्ता कौन सा है. मैं ना पेने शेप से थोड़ा बोर हो गई हूँ मगर यहाँ पे यूजुअली पेने या फिर फुसीले होता है बहुत ही. कभी कभी मैंने फायरफ्लाई देखा है. मगर टेस्ट अच्छा है. शेप मेरी फेवरेट नहीं है मगर फ्लेवर और टेस्ट में कमी नहीं है इसमें बिल्कुल भी. बहुत सारा चीज़ डाल रखा है इन्होंने. ऑलिव के साथ बनाऊंगी एक बाइट. कमेंट करके बताओ आपको ग्रीन ऑलिव ज़्यादा अच्छे लगते हैं फिर ब्लैक. मैं तो दोनों ही टाइप के खा लेती हूँ मगर ब्लैक वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे. टू गुड. पास्ता ना बिल्कुल भी सौगी नहीं, एकदम फ्रेश बना के रखा है इन्होंने. नाउ आई वांट ट्राई द बटर टॉस वेजिटेबल्स और इसके अंदर मैं ट्राई करूँगी मशरूम को जुकीनी के साथ. एक पास्ता भी ले ही लेती हूँ. पास्ता के साथ ये वाले वेजीज ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. यम्मी. मज़ा आ गया खा के. वेजिटेबल्स आर सुपर फ्रेश और सॉटे कर रखे हैं इन्होंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में. बेबी कॉर्न भी है इसमें, एक बाइट बेबी कॉर्न के साथ भी. A lot of you guys watch my videos but do not subscribe. Please guys subscribe to my YouTube channel. That will not only support me but also motivate me creating more such videos.